आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उचित साधन नहीं होने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक की 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए टैब या अन्य गैजेट देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए टैब, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट तैयार करने वाली विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पहली बैठक की। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि लिखित रूप से प्रेजेंटेशन के पूरे प्रस्ताव को विभाग को दें। विभाग ने अभी तय नहीं किया है कि टैब दिया जाएगा या छोटा लैपटॉप। राशि खर्च के मामले पर अगली बैठक में चर्चा होगी। 15 दिनों के अंदर कंपनियों से प्रस्ताव मिलने के बाद विभाग फिर इस पर विमर्श करेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब जैसे गैजेट देने का प्रस्ताव रखा था। खासकर कक्षा 9 और 10 के बच्चों को टैब देने के लिए राज्य सरकार की ओर से मांग की गई थी, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि 9वीं और 10वीं के बच्चों को टैब मिलने से ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई में मदद मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस योजना में केंद्रांश 60 और राज्यांश 40% भागीदारी होती है, लेकिन केंद्र द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद राज्य सरकार ने खुद ये जिम्मा उठा लिया है। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वक्त टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।